भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। मोदी और भागवत का जितना है भारत, उतना ही महमूद का भी है। भारत मुसलमानों की भी मातृभूमि है। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मदनी का आरएसएस चीफ पर पलटवार। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख महमूद मदनी ने शनिवार 11 फरवरी को कहा कि यह भूमि मुसलमानों की भी मातृभूमि है। उन्होंने कहा कि यह कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है, सरासर गलत है और निराधार है। इस्लाम सभी धर्मों से पुराना धर्म है। हिंदी मुसलमानों के लिए भारत सबसे अच्छा देश है। महमूद मदनी ने कहा कि भारत हमारा देश है। यह देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही यह देश महमूद का भी है। न महमूद उनसे एक इंच आगे है और न महमूद उनसे एक इंच पीछे है। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा था कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश में सभी लोगों को सामूहिक रूप से काम करना होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। हाल ही के दिनों में इस्लामोफोबिया काफी बढ़ गया है। मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को दंडित करने के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए। उन्होंने यह बातें जमीयत के महाधिवेशन में कही। यह महाधिवेशन अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्ष में शुक्रवार को रामलीला मैदान में शुरू हुआ। महाधिवेशन का पूर्ण सत्र रविवार को आयोजित होगा। सरकार ने देश में बढ़ते नफरती अभियान और इस्लामोफोबिया में बढ़ोतरी समेत कई प्रस्ताव को पारित किया है। जमीयत ने आरोप लगाया कि देश में इस्लाम फोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सबसे दुखद बात यह है कि यह सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वह खामोश है। मदनी ने कहा कि इस्लाम भारत का ही मजहब है और सारे मजाहिद और सारे धर्मों में सबसे पुराना मजहब है। इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे, और यह बयान जिस तरह से वायरल हो रहा है, इसके बाद संभावना है कि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वापिस इस पर पलटवार करेंगे। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।